दोस्तों, अगर आप इजीपे का रिटेलर है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इजीपे की तरफ से इजीपे क्यूआर कोड के ऊपर एक अपडेट दिया है। इस अपडेट के बारे में आप सभी को डिटेल से पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले तो अगर आप इजीपे क्यूआर कोड एक्टिव नहीं करवाए हैं, आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से डिसाइड करेंगे कि हमें इजी पे एक्टिव कराना चाहिए क्यूआर कोड या नहीं कराना चाहिए। जिनका जिनका इजी पे क्यूआर कोड एक्टिव है उनका अभी चालू कर दिया गया है, दोबारा यहां से एक्टिव हो चुका है, आप यहां से ले सकते हैं पेमेंट। ठीक है, आप अपने इस क्यूआर कोड के ऊपर किसी से पेमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको मैं इजी पे के अंदर लेके चलता हूँ और यहाँ देख सकते हैं इजी पे के अंदर अभी यहाँ आपको जो बैलेंस शो करते हैं आपके वॉलेट में, थोड़ा सा आप यहाँ इधर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाती हैं, जो इजी खाता। तो आपका इजी खाता यहाँ जो यस बैंक से आपका जो करंट अकाउंट ओपनिंग हुआ है आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो यहाँ आपका यूपीआई क्यूआर कोड जो है वो आपको शो करेंगे, आपका यूपीआई आईडी भी शो करेंगे, आपका बैलेंस कितना है ये भी शो करेंगे। आप यहाँ से किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ आपको छोटा सा शेयर का ऑप्शन मिलते हैं, इस पर आप क्लिक करके किसी को यहाँ शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम यहाँ क्यूआर यूपीआई क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यूपीआई क्यूआर कोड यहाँ मिल जाते हैं और ये क्यूआर कोड आप यहाँ से भी किसी को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ आपको दिखा देते हैं आपके वॉलेट में जो भी आप क्यूआर इस क्यूआर कोड के जरिए किसी से पेमेंट लेते हैं तो आपका पैसा आपके ये जो है यस बैंक के अकाउंट के अंदर आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जो पहले जो था कि आपका जो क्यूआर कोड के ऊपर पेमेंट आप रिसीव करते थे तो डायरेक्ट आपके वॉलेट में आता था, इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता था। यहाँ आपको TDS और आपको इस तरह का कोई झंझट नहीं था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ यस बैंक के अंदर आपका अकाउंट ओपनिंग हो गया है, वहाँ आपका क्यूआर कोड उसी से आपका एक्टिव किया गया है। तो यहाँ से आप क्यूआर कोड के ऊपर पैसे लेते हैं तो किसी से अगर 5,000 रुपये पेमेंट करवाते हैं तो इसमें कुछ कंपनी चार्ज लेती है। अगर आप पैसे रिसीव करते हैं इसमें भी आपको चार्ज देनी पड़ती है। ठीक है, तो आप सोच समझ करके क्यूआर कोड अपना जो है एक्टिव करवाएं। उसके बाद जो आप क्यूआर कोड के ऊपर पैसे लेंगे तो यहाँ आपको जो बैलेंस दिख रहा है यहाँ आपका शो करेगा। ठीक है, और वही पैसे अगर आप अपने बैंक के अंदर लेना चाहेंगे तो यहाँ आपको सेटलमेंट का ऑप्शन मिलते हैं, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप सेटलमेंट वॉलेट में ले सकते हैं दोबारा, या फिर आप अपना बैंक के अंदर यहाँ से सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको वॉलेट में लेना है सेटलमेंट तो यहाँ से आप ले सकते हैं, अगर आप अपने बैंक के अंदर सेटलमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना बैंक के अंदर भी सेटलमेंट ले सकते हैं। अगर आप यहाँ बैलेंस आप होल्ड करते हैं, मान लीजिए अगर आपको जो यहाँ बैलेंस दिख रहा है इस पर अगर आप होल्ड करते हैं 5,000 से ऊपर, अगर 10,000 5,000 अगर रखते हैं तो आपको यहाँ कुछ इंटरेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पैसे होल्ड करते हैं, आप सेटलमेंट करते हैं, रखते हैं आप अपने इस बैलेंस के अंदर, तो यहाँ आपको कमीशन मिलते हैं, यानी कि आपको यहाँ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं हम अपना बैंक के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहे तो अपना वॉलेट में ले सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ अपना बैंक के अंदर सेटलमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यही अपडेट था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप झारखंड से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको आईडी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।